जाना कम जरूरी। मालिदा कम पानी पाना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे आना लावे। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुम ये प्रोजेक्ट हैंडल करना चाहते हो। मैं क्या करूं? मैम सिर्फ एक चांस दे दीजिए। मैम मैंने पिछले 3 सालों से कुछ काम नहीं किया है। मैं यहाँ काम करती हूँ और जैसे हमारा वॉचमैन रोज आता है और बिना कुछ किए यहाँ से चला जाता है, वैसे मैं भी रोज आती हूँ और मेरे पास कुछ काम नहीं होता है। मैम जस्ट वन चांस मैम प्लीज। अच्छी बात है ना, आओ कैंटीन में कॉफी पियो, स्नैक्स खाओ, इंटरनेट पे गेम्स खेलो, लोगों से बातें करो, टाइम पास करो, लेकिन प्लीज फॉर गॉड से काम मत करो, बिकॉज दैट्स नॉट द काइंड ऑफ रिस्क आई कैन टेक ऑन यू। गॉट इट मैम? नो मैम प्लीज मैम जस्ट वन चांस मैम। मैम मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। जस्ट एक लास्ट चांस दे दीजिए मैम प्लीज, आई रियली नीड इट, जस्ट वन लास्ट चांस मैम प्लीज मैम। ओके, हम लोग सेंसिटिव एरियाज पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट कर रहे हैं, इट्स गोना बी अ सीरीज। ओके ओके, पिक अप अ सेंसिटिव एरिया इन इंडिया, वर्क फॉर एग्जांपल कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट, काम करो, गिव मी अ प्रेजेंटेशन वीज। नहीं नहीं, पहले मैं अकेली आ रही हूँ, आई कॉल द क्रू लेटर। दिस इज क्वाइट अमेजिंग, 2 दिन पहले मेरे पास कोई काम नहीं था, नाउ आई एम हैंडलिंग द फुल फिल्म। आई एम श्योर बहुत मजा आएगा कश्मीर में शूटिंग करने में। आई थिंक यू शुड मेक अ स्टेटमेंट अबाउट कश्मीर इन योर फिल्म। बाय द वे, what is your argument about Kashmir? सोचा शायद किसी को मेरी जरूरत हो सकती है यहाँ। हाँ जरूरत थी। कश्मीर इज रियली अ पैराडाइज ऑन अर्थ। ये माउंटेन, ये लेक, ये शिकारे, मैं कश्मीर को इतना खूबसूरत दिखाऊंगी कि तुम कश्मीर की ब्यूटी पर फिल्म बनाओगी? या ऑफ कोर्स, आई थॉट यू आर अ रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ फिल्म मेकर जो शायद कश्मीर की प्रॉब्लम्स पर फिल्म बनाएगी। जिस प्रॉब्लम के बारे में मेरा कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर फिल्म क्यों बनाऊं? साहब
साहब प्लीज हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। अल्लाह पाक की कसम हमने कुछ नहीं किया। हमें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों ने हमें पकड़ा क्यों है। अभी पता चल जाएगा बेटा, थोड़ा सब्र कर। साबर का फल मीठा होता है गोब्रिया, लेकिन तेरे केस में कड़वा होने वाला है। देखिए आप लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर लिसन, आई एम अ जर्नलिस्ट, आप चाहे तो चैनल में फोन करके पूछ सकते हैं मेरे। अकॉर्डिंग टू द लॉ, नो मेल पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ वुमन। दिस इज अनजस्ट। अनजस्ट किसके साथ, तुम्हारे साथ या फिर हमारे साथ? औरत होने का फायदा ना डिवोर्स केस में होता है मैडम। लॉ आपको एलिमनी दिला सकता है, लेकिन एसटीएफ के केस में कुछ नहीं। साहब प्लीज मुझे तो छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया साहब। पानी पड़े तेरे। अरे अरे हाकिम तीन वहां खड़ा हो के किसका फातिहा पढ़ रहा है तू? ना शुक्रे गुलाम नबी जी, आपने मुझे ना शुक्रा मत आख्या करो प्लीज। ना शुक्रा ना कहूं तुझे? ना शुक्रा है, ना शुक्रा नहीं है तो क्या है तू? तू नमाज पढ़ता नहीं है, रोज सुबह तू छुप छुप के खाने खा। मैं बता रहा हूँ तेरा कयामत के दिन मैं बता रहा हूँ। साहब हो गया ना, क्या लगा रखा है? मतलब कहीं भी कुछ भी शुरू कर देते हो तुम लोग। ना शुक्रा बोल रहे हो। हाँ तो ठीक है, कोई तरीका है लेकिन सर हूं तुम्हारा, थोड़ी इज्जत किया करो। और फोन मत करो जनाब, ये मेरी रिंगटोन नहीं है। मेरी भी नहीं है। तुम लोगों ने क्या मोबाइल कि अभी तक तुम लोग घबरा भागो बेवकूफों। अरे किसका मोबाइल बच रहा है ये? कौन है मिस्टर ताज? एक वेटर को मिस्टर पता है। सामने सबको इज्जत देता हूँ। इज्जत देता तू? बड़ा अच्छा आदमी है, सबकी इज्जत करता है। तू चुप रह, बीच में मत बोल हाकिम से तू। जनाब हाँ ऑन कर स्पीकर, स्पीकर 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 बेटा हाँ। बात करो। हेलो हेलो कैसे हो, क्या सुबह से मैं ट्राई कर रही हूँ, फोन उठा रहे हो? बाद में फोन करता हूँ। ठीक ही चुका? ठीक है, डंडा मारूंगा साले, सारे लाल किले ताजमहल यही भूल जाएगा तू। साले झूठ बोलता है पुलिस के आगे, हरामखोर। हम तो मार रहे हैं जना, इस रूह को भी तो बोलो कुछ करे। आगे भाई किस दुनिया में भेजे चला रहा है अपनी, तो चल आगे। अरे मार उसे पियोड़ते तेरा। जनाब ये ना शुक्रा ऐसे ही हमेशा खोया रहता है। आपसे ना इस बात पे झगड़ा हो जाना है गुलाम नबी जी, आपसे कितनी बारी मैं पता नहीं है, आपको ना कितनी बार कहना आपने ना शुक्रा ना किया करो। क्या आपको पता मुझे कितनी टेंशन है कि? अरे तू क्या टेंशन है, तेरे को बोला था मैंने हाकिम साहब के पास चला जाना, दवाई दिलवा दूंगा। आपके वाली बीमारी नहीं है बवासीर की। अच्छा कौन सी वाली बीमारी है? मेरी अंदर की बात है, फैमिली की बात है। 10 महीने पहले मैं अपने गांव गया था, मैं देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ अभी तक प्रेग्नेंट है जी। मेरे को लगता है वो मुझे धोखा दे रही है, वो किसी के साथ रली हुई है। तुम जर्नलिस्ट हो ना, तो वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। यस सर। जल्दी मेरा बैग कहाँ है? अरे जल्दी सर वो मेरा आइडेंटिटी कार्ड मैं हमेशा बैग में रखती हूँ, पर देयर वाज एन एक्सीडेंट। मैं आई वाज एट आर्मी चेक पोस्ट एंड वहाँ पर लाइन लगाओ, सबको लाइन लगाओ। ए रुक ना उधर सर, जस्ट बी केयरफुल विद दिस प्लीज। क्या मतलब? आपने आई कार्ड उल्टा पकड़ा है। अब आप सिखाएंगे हमें आई कार्ड पकड़ना? 2 साल से मैं छक मार रहे हैं, 2 साल से यही आई कार्ड चेक कर रहा हूँ मैं। हड़बड़ी में शायद मैं अपना आई कार्ड नहीं भूल गई। तो मतलब आपका आईडी कार्ड नाके पे छूट गया? नाके पे छूट गया कि आईडी कार्ड है ही नहीं? नो नो सर, मेरा नाम नासिर सिद्दीकी है, आई एम फ्रॉम दिल्ली।
कश्मीर पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आई हूँ। फिल्म की शूटिंग चल रही है मैडम, आप फिल्म बनाती हैं? जी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। हाँ, वही फिल्म ना, एक जानकारी लेना था। आपकी फिल्मों में लड़का लड़की जब आपस में चिपकते हैं, प्यार व्यार करते हैं, और गानों में जो फटाफट कपड़े बदलते हैं, ये सच में होता है, कैमरे का कमाल है। एक बात बताओ, आप लोग अपनी फिल्मों में शर्म हाया क्यों नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, आप औरत लोग पराए लोगों के साथ ऐसा गंदा फंदा काम, नंगा हो जाता है, शर्म नहीं आता आपको? घर वाले कुछ नहीं कहते? घर वाले क्या, गांव वाले कुछ नहीं बोलते क्या? हाँ, इतना गंदा काम क्यों करते हो, किस लिए करते हो? जनाब, आप लोग एक लड़की के साथ तो ऐसे बात मत करिए प्लीज। चोरी ना, मुझे लगा कूंगा बोले, साफी कूंगा बोला। इसको भी फिल्म में ले लो, तमाशा बहुत अच्छा करता है। ये भाई हकीम करेगा? सर, समय गुंगा नहीं हूँ सर, मेरा नाम अजय है सर। सर, मेरा आइडेंटिटी कार्ड। सर, मैं KAS की तैयारी कर रहा हूँ सर। मेरे फादर साहब होम डिपार्टमेंट में जेएन के मैं एम्प्लॉई हैं। इसे कैसे जानते हो? सर, वो मैं सर, क्योंकि सर, क्योंकि कश्मीर एक समय में संस्कृत स्कॉलर्स का मेन सेंटर था। परहैप्स इट्स द 13th सेंचुरी जब निमरूल स्टार्टेड हुआ। एक्सक्यूज मी, तुम ये एम्फेसाइज करके क्यों कह रहे हो कि रूल स्टार्टेड हियर? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि की वजह से कश्मीर की ये हालत है? ए, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर की प्रॉब्लम्स को आज मुस्लिम्स की प्रॉब्लम से जोड़कर ही देखा जा रहा है ना। आई एम ऑल्सो मुस्लिम, और मेरी कोई प्रॉब्लम कश्मीर की प्रॉब्लम से तो नहीं जुड़ी हुई। डैडी इतने ले आओ। पूजा, योर नेम इज अजय ना? एक्चुअली मेरे डैडी मुझे प्यार से पूजा बुलाते हैं। सो क्यूट। क्या किया तक? मेरे साहब का बेटा भी कंप्यूटर पे पढ़ाई करता था, 98% नंबर लिए थे उसने जी। अच्छा अच्छा, अल्लाह दोपहर का खाना बना दिया है, थैंक यू। भूख लगे तो खा ले। जी डैडी। अरे तेरा ये पाँव रकाब नहीं रहता है, जब देखो जब घोड़े पे ही आएगा साला। किरा, ए तू कब ना पा कर यार। अरे ताजान जी, रोज आपकी वजह से लेट हो जाता हूँ, और ऊपर से मेरी अफसर है, अरे ऐसी घुटी मानो मुझे खाई जाएगी। तू जनानी अफसर के दफ्तर में काम करता क्यों है, छोड़ दे। एक बात बताऊँ? क्या बताएगा? इससे मैं वो बहुत कैंट लगती है। कैंट लगती, तुझे गुस्से में देखा कर, वो कैंट लगेगी बस, कैंट लगती की कैंट लगती है कैंट। एक बात, रुक जा। अरे अब क्या है? अरे रुक ना। एक्सक्यूज मी, माय डैडी इज कॉलिंग। श्योर। हां जी डैडी। पूजा बेटा, तू PSC डिपार्टमेंट जाके गुलजार बेग अंकल से मिल लेना। ठीक है, उन्होंने KAS के सैंपल पेपर रख लिए हैं तेरे लिए, तू जल्दी जाके ले लेना। जी डैडी। हाँ, 12 बजे से पहले ले लेना। अब जल्दी चलो, खड़ा जल्दी चलना। मेरे डैडी चाहते हैं कि मैं KAS करूं। ये KAS क्या है? KAS means Kashmir Administrative Services. Cool. By the way, I'm making a documentary film on your Kashmir. And for that, I need your help, huh? Hey, that's nice to know. Anytime. You're my dear friend. इंटरनेट पर दोस्ती हुई तुम्हारी? जी 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 जी। चलो फिर आगे बोल, क्यों हुई, कैसे हुई? वो फेसबुक पे बस चैट करते। क्या चैट थे? सेक्स सेक्स की बात? तुझे मालूम ही, तूने किससे दोस्ती कर ली? किससे जनाब? टेररिस्ट। कश्मीर में बम फोड़ते हैं लोग, कश्मीर का लड़का होके ऐसे लोगों को लेके आता है तू? बाहर से लेके आया क्या?
मुझे मालूम नहीं तेरे साथ क्या होने वाला है बेटा। नस काट दे हम तेरी बंदी। उसके बाद ना इंटरनेट तो दूर की बात है, तो किसी भी लड़की को हाथ भी नहीं लगा पाएगा जिंदगी भर। हेलो क्या है, हाउ डेयर यू टच मी? अरे शर्मा तू दूर खड़ा रहना है। अरे क्या किया गुलाम? आई विल नॉट टेक दिस, आई नीड टू मेक अ कॉल, आई विल नॉट टेक दिस। चुप बैठो इधर, बैठो इधर, तुम चुप बैठो। और शराफत से बता दो क्या क्या किया तुम लोगों ने। चल तू भी बोल, क्या हुआ बता दो यार, बता दो तीनों में से कोई तो बता दो। बता दो बता दो, मैंने क्या बता दे? ये बताओ कि तुम्हारा अगला टारगेट क्या है। हजरत बल शंकराचार्य कहाँ जा रहे हो? ए तो इधर बैठ, ए सुन, कुरान इस्पत, काबा शरीफ इस्पत, मैं इन लोगों को नहीं जानता, ऐसी मुसीबत आई फंस गया। ये देखो मेरा आइडेंटिटी कार्ड जना, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट तू आठवीं क्लास में? जी। ना शुक्र हरामजादे, कुरान शरीफ की झूठी कसम खाता है तू? नहीं जनाब, झूठी कसम नहीं खा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ जनाब, स्टूडेंट हूँ जनाब। जनाब गुलाम ने भी नहीं, अरे मेरे गांव में गुलाब खान है जो कि 12वीं जमात में पढ़ता है, उसके 5 बच्चे हैं। अच्छा पोलियो ड्रॉप के लिए जाता है तो वो स्कूल की ड्रेस में जाता है। होता है जनाब, जनाब नहीं नहीं कह दिया हुआ किसी ने, गलतियाँ भी तो होती हैं जनाब, सच बोल रहा हूँ जनाब, स्टूडेंट हूँ जनाब। जनाब आर्मी वाले जब भी मेरा ये कार्ड देखते हैं छोड़ देते हैं जनाब, दोबारा कभी नहीं मिलूंगा इनसे। मैं बोला थोड़ी देर में फोन करता हूं, अब वो बात बात में करेंगे। अभी मन पे चल रहा है, मुझे भी चल रहा है, मुझे भी चल रहा है, अभी टाइम बिल्कुल नहीं। क्या बाद में फोन करो कहां ना मेरे, प्लीज बाद में। जनाब ये लेडीज होती है ऐसी, ना तो खुद घर में चैन से बैठती है, ना नहीं यहाँ चैन से बैठने देती है। अपनी यहाँ तो कहावत है, या तो नौकरी कर लो घर संभाल लो। मैं इसीलिए छुट्टी जा रहा था कि मैं जनाब जनाब चलूँ फिर मैं। अच्छा शुक्रिया जहाँ। जब से हमें यहाँ लेकर आए हैं, इसे चाकू की तरह पीट रहे हैं। I will not let this happen. He's my guy. He's just a kite, sir. जी, मैं नहीं मिलाया था नाजिया को राजू से। दोस्त थे? नहीं जना। तो क्यों? जी वो अच्छा इंसान है, गाइड है, तो जो भी बाहर से आता है मैं राजू से मिला देता हूँ। कमीशन मिलता होगा जनाब? नहीं नहीं जनाब ऐसा नहीं है, बस हेल्प कर देता हूँ। जनाब ये बोल रहा है ये पार वालों की हेल्प करता है? नहीं नहीं जनाब मेरा ऐसा मतलब नहीं है, मेरे पार वालों से कोई कनेक्शन नहीं है जनाब। तो फिर हेल्प क्यों करता हूँ? नहीं बता क्यों करता तू? एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू पुटिंग वर्ड्स इन हिज माउथ? वो ये बोल रही है कि इसके मुंह में अल्फाज क्यों डालते हैं। जनाब जनाब कमाल है जनाब, मैं सच्ची में अच्छा इंसान हूँ जनाब, मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, मासूम जी। तू मासूम है? सर राजू एक अच्छा इंसान है, ही इज रियली इनोसेंट, इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। ओए राजू, राजू ओए, ओ मस्ता से कैच यू, वाले जी खुश पे। ओ इधर आ राजू, तुझे किसी से मिलाना है। हां कौन सी? राजू बहुत बढ़िया इंसान है, गाइड है, तुम्हें पूरा कश्मीर दिखा सकते हैं। और मोहसिन को नहीं, मुझसे मत पूछना क्योंकि मोहसिन मुझे नहीं जानता, इसलिए मैं उसे नहीं जानता। जी हजरत बल।
मैडम थोड़ा कंट्रोल करो, माहौल गर्म हो रहा है। मैडम पहले पहले बनती थी अच्छी फिल्में, पुरानी फिल्में अच्छी होती थी, आजकल पुरानी फिल्म बनती नहीं कोई। राजू पुरानी फिल्में इसलिए नहीं बनती है क्योंकि नई फिल्में बनती हैं। मुझे नहीं अच्छी लगती नई फिल्में, पुरानी फिल्में अच्छी होती थी। क्यों नई फिल्में क्यों नहीं पसंद? समझ नहीं आती आदि। सर आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है, राजू सच में एक बहुत अच्छा इंसान है सर। गलत फहमी? अरे गुलाम नबी शादीलाल को बुलाओ, इनकी स्टेटमेंट दर्ज करवाओ। हाँ जनाब। और देख रहे जरा चेंज ना करें। हाँ जी जनाब, इधर ही खड़ा रहे। हाँ भी ना शुक्र है जनाब ने कहा ये लोग बीच में चांचू ना करें, हैं समझ में आ गई ना बात? खड़े रहना हाकिम दीन। ओ हाकिम दीन, अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू उधर बाहर खड़ा होके क्या देख रहा है? उधर आपसे कोई बात की? क्यों भाई बात क्यों नहीं करनी है हमसे? हैं आप ना बारी बारी मुझे ना शुक्रा बोलते रहते, मुझे अच्छा नहीं लगता। ना शुक्रा तो है तू, पांच वक्त की नमाज पढ़ता नहीं है तू, रोजों में जाके छुप छुप के खाने खाता, मैंने दिए खानी के ना शुक्रा है, एकदम ना शुक्रा है तू। आप भी तो रोजों में चोरी चोरी दवाइयां खाते हैं। मैं चोरी चोरी दवाइयां नहीं खाता हूँ, अल्लाह ने कहीं नहीं लिखा है कि रोजों में आप दवाई नहीं खा सकते, समझ में आई बात? अल्लाह ने ये भी नहीं आखिया कि अपने ऊपर जुलम करो। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने को बोलता हूँ तेरे को, तो मैं जुलम करता हूँ तेरे पे? सर हैं सर थोड़ा पानी पी सकता हूँ? पानी पिलाओ उधर आके, एक थापड़ मारूं, खड़ा रहे उधर चुपचाप। सॉरी सर। पानी। थैंक यू जनाब। कर क्या रहे, दिमाग तेरा ठीक है कि नहीं है? हमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना आता है। जा के शादी लाल को बुला के लेके आ। मैं नहीं जाऊंगा जी, वो ना मुझे सिफारशी टट्टू कहता है। तो गलत क्या कहता है, तू है तो सिफारशी टट्टू, नहीं तो एमएलए साहब ने अगर तेरी सिफारिश ना की होती नौकरी लगती तेरी यहाँ पर है? ढाई साल पांडे मांगे मैंने उनके घर पे, और ये नौकरी पाने के लिए मैंने पैसा दिया है। हाँ तो पैसे देने से सबको नौकरी नहीं मिलती है, हैं? अल्लाह का शुक्र अदा कर तेरे को नौकरी मिल गई है, नहीं तो भांडे मांजता रहता जिंदगी भर। चरण शर्मा हम शादीलाल को लेके आते हैं। मांजता मैं भांडे जिंदगी भर? मैंने कब मना किया था कि मैं भांडे नहीं मांजने को तैयार हूँ? मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे पुलिस की नौकरी दो, मुझे नहीं चाहिए थी पुलिस की नौकरी। आज मैंने कहा था मुझे चौकीदार बना दो, मुझे माली बना दो, पर मुझे पुलिस में नौकरी देती। घर वालों ने कहा लड़का पुलिस में आ गया है, चलो उसकी शादी कर दो। जी शादी कर दो क्या? अच्छा पानी हो गया, चलिए चलिए जी। आराम से जाओ, वो तीनों ऊपर बैठे हैं, हम थोड़ी देर में ऊपर जाने वापस। सर टॉर्चर तो शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी निकलना बाकी, मतलब उनको बोलना बाकी है। हो जाएगा सर थोड़ी देर में हो जाएगा। अल्कोहल सर मैं अभी भरूं ही। यस सर। ओके सर, ओके सर। क्यों भाई हाकिम जी, छुट्टी नहीं मिली? तुम तो किसी की भी सिफारिश करवा सकते हो ना। आप कह रहे थे किसी की सिफारिश नहीं चल सकती यहाँ। तुम्हारा नाम क्या है? राजू सरकर। बहुत मोहब्बत है ना तुम लोगों को पार वालों के साथ, क्रिकेट मैच देखते हो? जी। वर्ल्ड कप में जब तुम्हारे उन पार वालों को बजा बजा के हराया था कैसा लगा? मेरा बस चले तो मैं तुम लोगों को पार वाले के हवाले कर दूं, जब वो तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे ना तब पता चलेगा तुम लोगों को। तुम्हारे ही कौम के लोग थे ना वो, जिन्होंने मस्जिदों में ऐलान करके हमें घर से निकाल दिया। अरे शादी लाल कहाँ इधर उधर के गाने गा रहे हो, लिखो ना आप तो बयान दो।
तुम नहीं समझोगे सिफारशी। नहीं नहीं, अरे जल्दी फ्री हो जाएंगे। सिफारशी नहीं समझोगे। समझ रहा हूँ। हाँ, तुम कुछ कहना चाहोगे या मैं खुद लिखूं? अरे गुलाम नबी जी, बवासीर की तकलीफ का क्या हाल है? कुछ आराम शराम आया या नहीं? अरे कहाँ से आराम आएगा, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन करवा लो, मैं कैसे ऑपरेशन करवा लूं? देसी दवाई खा रहा हूँ, फायदा तो कुछ हो नहीं रहा। अरे आप लोग इतना मीट खाते हो, इतना मीट खाते हो, कैसे आराम आएगा बवासीर से आपको? बवासीर तो होनी है। हम लोग इतना मांस खाते हैं तो हमको बवासीर होती है। अरे तुम लोगों को क्या बवासीर, गोभी खा के हो जाती है शर्म? बात करता है तुम। कलाम नबी जी, एक बार मांस खाना छोड़ दो, अगर बवासीर खत्म नहीं हुई तो मुझे बाप का नहीं कहना। देख शर्मा, क्या है, अगर ईद के दिन मैंने कुर्बानी नहीं चखी तो अल्लाह को कैसे मंजूर? गुलाम नबी साहब, एसपी साहब आ गए हैं। चलो एक और कुर्बानी। चलो जनाब। नाश्ता? जनाब ये मेरा नहीं है, ये शर्मा का है भाई, पकड़ो अपना नाश्ता। सर ये जिया लाल का है। डोगरा कहाँ? जनाब डोगरा साहब आपने केबिन में है। बटन लगाइए। जी जनाब। क्या टेक डाउन दीज टू नेम्स, अजय कुमार, तहसील उधमपुर, राजू जरगर ZAR GAR तहसील अनंतनाग। Then there is this girl who claims she's from Delhi, but her identity is missing. I need information on these two immediately. Sir. Dogra. Yes, sir. What, sir? Your zip. Oh, sorry, sir. कहाँ थे आप? सर मैं अपने कैबिन में था। मैं आपके कैबिन में गया था। सर वह थोड़ा पेट खराब तो मैं बाथरूम में था। आज आपका थोड़ा पेट खराब हो रहा है? जी सर। आपका पेट अक्सर खराब रहता है। मैं एक काम करता हूँ ना, आपका टॉयलेट ही मैं आपका ऑफिस बना देता हूँ, सबको मैं आपके टॉयलेट में भेजता हूँ काम करवाने के लिए। नो सर, आई एम सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा आइंदा। कौन है वहाँ जिन लोगों को हमने कैप्चर किया उनके साथ कौन है इस समय? सर वहाँ तो शायद हाकिम दीन को छोड़ के आए। शायद आप शायद हाकिम दीन को छोड़ के आए हैं वहां पर। वहां टेररिस्ट के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, मेरे पास ये टॉयलेट ब्रिगेड है। फोन बज रहा है आपका। सर इग्नोर कुछ, मैं बंद कर देता हूँ सर। दीदी का फोन सर काट दिया। कोई दिक्कत है घर पे? प्रॉब्लम है घर पे कुछ? नहीं सर, आइंदा नहीं आएगा वॉच। एनी हेल्प यू नीड? सॉरी ड्यूटी पे कहना नहीं चाहिए लेकिन शादी अभी भी हुई है मेरी और हनीमून पे गई नहीं है तो बीवी थोड़ी परेशान है। डोगरा। यस सर। स्टॉप इमेजिनिंग हनीमून सर, इमेजिन फ्यूनरल्स। राजू को कहाँ लेके चले गए? एसपी साहब ने याद फरमाया होगा। क्यों? खातिरदारी करेंगे उसकी, जूस वूस पिलाएंगे। जूस? जूस पिएगा तभी तो वो हीटर पर पेशाब करेगा और सच सच उबलेगा। सर आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैडम जी आपके साथ अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे, जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ ही करेंगे। हाँ बोल।
जनाब वो रामपुर जरूर को इतनी बार बुलाया आते नहीं है। मैं तो अपनी कमरे की तरह खुली चीज अपने कर लेता तो मेरी सो नहीं कर सकता तू। जी जी नाल इसका हाथ बढ़ा जा इसका तू चुप 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 रहा नहीं तो ये पूरा अंदर डालूंगा तेरे में। चुप आए कल मैं कह रहा हूँ जनाब मुझे छोड़ दो मेरी आदत तो सुन सुन। अच्छा अब इसकी आदत सुननी पड़ेगी हमको है आदत सुनाएगा तू हमें जा सुना क्या तेरी आदत है बता। जनाब वो फाकू जानते हो अनंत वाला गनी खान वाला हां हां अनंत नाग वाला हां वही लेकर आया था मेरे को तो किसने लेके आया था तेरे को हां टेररिस्टों को बुलाने के लिए जनाब गलत समझ रहे हो जनाब मैं तो हिंदुस्तानियों को भी नहीं घुमाता था अंग्रेज आते थे तब उनको अच्छा अंग्रेज को घुमाता था तू बता हिंदुस्तानियों को क्यों नहीं घुमाता था अंग्रेजों को क्यों घुमाता था सब उसके डॉलर मिलते थे आपको याद था ये इतना हालात खराब हो गया अब तो कितने डॉलर मिलते थे तेरे को ओए तुम लोग बता नहीं सकते थे मुझे कैसे साहब आ गए जनाब तो ये लम्बा लेक्चर दिया मुझे अभी बेइज्जती करवा दी मेरी क्या मेरे बताने की क्या जरूरत थी जनाब आप तो टट्टी में थे तो हम टट्टी में तो नहीं लेके आ सकते कोई तरीका ये सब सामने बात करने का इसके अंदर थोड़ा तो देखो करो क्या हो रहा है क्या बोल जनाब मेरी कोई गलती नहीं है इसके अंदर क्या मेरी बात की चुप कर अरे मैं बताता हूँ मैं ना जान के अभी बताते हैं तेरे को तो मोहनी मुन की बातें करे जा रही मैं भी चलना चाहता हूँ लेकिन अभी मुझे टॉर्चर कर रही है यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है। अरे ऐसी कैसे कोई दुकान थोड़ी है जो अरे अभी कहाँ से निकल जाऊँ मतलब कोई दुकान पे थोड़ा सॉरी सर हो गया जी जी जनाब ये कपड़ा क्या डाला है इसके मुंह में जनाब अपनी जुराब डाली है मैंने इसके मुंह में कोई कोई जलालत नहीं है क्योंकि मैं अपने पांव होके के पानी से धोता हूं जनाब इसमें कोई गलत नहीं है पागल होगा क्या निकालो उसको मुंह से जी जनाब जुराब डाल दी उसके मुंह में सर जनाब यहां नहीं पहनोगे बाहर जाके पहनो चलो जी जनाब आउट जी जनाब दरवाजा बंद करके जाओ जी जनाब जी जनाब सॉरी जनाब कोई फिल्म देखी तूने उसकी नहीं जनाब नहीं कैसी फिल्म बनाती है जी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती है डकमो वाली नहीं जनाब वो हाँ ठीक है अगर कश्मीर घूमना था तो ये टूर ट्रेवल वालों के साथ भी जा सकती थी सोच इसने तुझे ही क्यों पकड़ा चला गया फंसा दिया तुझे बता रहा था तेरा बुड्ढा होम डिपार्टमेंट में काम करता है बच सकता है तू सच सच बता दे
वो हाकिम दे रहा है। जी जनाब। वो गुलाम नबी बुलाता है। सोच भाई हाकिम दीन, चल चलना नहीं है? आप चलो, मैं चाय पी के आता हूँ। खुदा कसम आज तक तुझ जैसा कामचोर नहीं देखा मैंने। गुलाम ने भी क्या दुश्मनी आपकी मेरे से? आप हमेशा मुझे गालियां भी देते रहते। गाली खाने वाले काम क्यों कर पाते? ये तेरा चाय पीने का वक्त है। अरे चल चल के ड्यूटी क्यों नहीं करता अपने? मैं कर लूँगा अपनी ड्यूटी, मुझे पता है मेरी ड्यूटी क्या है। आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए बस। मैं तेरी परेशानी समझता हूँ, तो मेरा यकीन कर, खुदा सब देखता है। तेरी बीवी ने धोखा दिया ना तुझको, खुदा उसके टुकड़े टुकड़े करके दोजा की आग में जलाएगा उसको। गुलाम नबी जी, आपने खुदा को समझ के रखा। उसके पास अपने बंदों को काटने मारने और दोजख की आग में जलाने के सिवा और कोई काम नहीं है। खुदा इंसाफ करता है, गलत बंदों को उसके किए की सजा देता है। तो मुझे भी मेरे किए की सजा मिल रही है। कुफर का काम जो करता हूं मैं। तेरा दिमाग खराब हो गया? हमारे काम को कुफर का काम कहता है तू? इन हाथों से हमने छोटे छोटे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे नहीं थे वो, टेररिस्ट थे। तो फिर हमने उनके आइडेंटिटी कार्ड क्यों जरा क्यों नहीं उनको खुलेआम सजा दी? अगर वो टेररिस्ट थे, उनके घर वाले आए, तो क्यों हमने उनसे कहा कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके बच्चों का? खुदा की इबादत नहीं है। खुदा ऐसा हो ही नहीं सकता। खुदा ऐसा नहीं है, उसे हमने अपने जैसा बना लिया ताकि हमारे गुनाह पे पर्दा पड़ा रहे। जैसे कुछ दिलों की वजह से आज ये हालत है जमीन की। तुझे क्या मालूम जिहाद के नाम पे क्या गंद मचाया इन लोगों ने? बाड़ी साला, तेरे वहां तो अटैक हुआ नहीं ना, तुझे क्या पता होगा? 15 का नहीं हुआ था मेरा जमील, फुटबॉल खेलता था, पता नहीं मैदान में कौन कौन आता था, पता नहीं क्या सब्ज बाग दिखाए, सड़क पार चला गया जिहादी बनने के लिए। लाल चौक पे हुआ था ना लाल चौक पे बम फटा था, मेरा जमील पहन के आया था अपने जिस्म पे बम, कि मां आज तक कोसती है मुझे, कहती अपने बच्चे को मैं इज्जत के साथ दफना भी नहीं सका।
हजारों बेगुनाह बच्चों में कहां ढूंढता मैं अपने बच्चे की लाश? क्या क्या मातम मनाता मैं? तुम्हें भी मुझ पर शक हो रहा है? Look at me. अजय, इन लोगों का काम होता है हर किसी को टेररिस्ट की तरह ट्रीट करना, हर किसी को टेररिस्ट मानना. You know me. I'm not a terrorist. अजय, मैं कोई टेररिस्ट वेरिस नहीं हूँ यार. Look at me. I'm talking to you. मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ. नाजिया, आज अगर रहने दे तो अच्छा रहेगा. क्या बात कर रहे हो? रहने दे? हाँ. नो वे. नाजिया सिद्दीकी ने अगर एक बार कुछ करने की ठान ली तो ठान ली, समझे ना? अरे नाजिया, नाजिया सुनो तो. मुझे लगता है हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे. नाजिया, ना तुम समझ नहीं रही हो, मेरी बात तो सुनो. नाजिया, एक्चुअली कल उस एरिया में कुछ फायरिंग हुई थी और इसीलिए मेरे फादर साहब ने आज इधर उधर घूमने से मना किया है. मामाज बॉय तो सुना था, तुम पापाज बॉय हो क्या? अरे दैट्स नॉट द पॉइंट. अगर तुम अंदर रहना चाहते हो तो तुम रहो, राजू और मैं तो जा रहे. अशरफ जी, थोड़े कोल माचिस है? जी मैं तो बीड़ी वीडी पीता नहीं, अगर बोल लेते तो नीचे से लेके आता. लेके आना है रहा. ठीक है. इस पोस्ट पर जी जी ना? तेरा बुड्ढा होम डिपार्टमेंट में किस पोस्ट पर? जी वो पीए है, पीए टू स्पेशल सेक्रेटरी, ताराचंद नाम है उनका. चाहे तो पता कर ले. बड़ी पोस्ट है. जी हाँ है. मैंने एक काम करा दिया रहा. जी मेरा ट्रांसफर करा दी मेरे गांव. बस मैं अब यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से जाना है. प्यार से कह रहा हूँ मैं. जी जनाब ये तो बहुत छोटा काम है, मैं बोल दूंगा. अभी बोल. जी अभी? कैसे? अरे फोन से. जनाब मेरा फोन तो आप लोगों के पास है. मेरे मोबाइल से? हाँ हाँ, मैं फोन कर लूँ जनाब. अंदर
को सुलखार में जाके बात करना जी। धीरे धीरे बोलना जी जी। अंदर से जी से बंद कर लेना जी जी जी। हाँ हकीम दी जी जी पहुंच पहुंच गाँव स्टेट है जिसकी सेक्रेटरी मूवी करती रहती है 6 महीने जम्मू तो 6 महीने कश्मीर। माया बे सेक्रेटरी के एम्प्लाई की तो आधी जिंदगी सफर में ही कट जाती है। हकीम जी ये लो माचिस। बिल्ली तो है ही नहीं मेरे पास। अरे यार तेरे को तंग कर रहा हूँ बार बार। बिल्ली ला दे मेरे को और तू चाय पी ले। पर सर ये मैं फाइलें भी नहीं मिलती है। हम लोग फाइलें ढूंढते रहते हैं और देखो ना इतनी मिलिटेंसी में भी हमें जम्मू से श्रीनगर आना ही पड़ता है। फोन उठाओ यार डैड। क्या हुआ लगता है आपका फोन आ रहा था मेरा। हाँ अरे मिल गई फाइल। हेलो हेलो डैडी। हाँ बेटे बोलो। अरे डैडी मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत में? हाँ उठा लिया डैडी। लेकिन तुम कहां पर हो? मुझे नहीं मालूम मैं कहां हूं डैडी। जल्दी पता करके बताओ कहां पर हो। रुको 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 मैं पूछ के बताता हूं। आप रुको फोन रखना मत। होल्ड करो एक मिनट। अरे मेरे बेटे को उठा लिया। क्या? हाँ किसने? बात कर मेरे बारे में बात। अशरफ मित्र अशरफ। हेलो हेलो। हाँ बेटा हेलो। अरे फोन कट गया। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? एक छोटा पेशाब हो गया तेरा छोटा पेशाब जी। अंदर जा फिर। जा जा जी। चलो अंदर। तू कहाँ जा रहा है? मेरे को नहीं आ सकता छोटा पेशाब। अच्छा इधर जाते हैं। खड़ा हो जा और ट्रंक उठा। जमीन पर रख दे जी। हाँ आले जी जी। और लड़की को बोलो वो भी खा ले। मुझे नहीं खाना। अभी पता नहीं कब तक इधर रुकना पड़ेगा। रोटी फिर मिलेगी मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। खाना हो तो खा ले अभी। मुझे नहीं खानी ये गंदी रोटी। ये गंदी रोटी है? हमारा सब कुछ तुमको गंदा लगता है ना? लेकिन कश्मीर में आके जो तुम लोगों ने गंदगी मचाया उसका कुछ नहीं। हिम्मत तुम लोगों का कश्मीर की जमीन पे आके तुम कश्मीर की रोटी को गंदा कहता है? आपकी रोटियों को गंदा नहीं कह रही हूँ। ये जो रुमाल बिछा है ना इससे गंदा कह रही हूँ। दिन भर आप इससे पसीना पोंछ रहे हैं उसके ऊपर खाने की रोटियां इस पे रख रहे हैं। कौन खाएगा इसे? कुत्ता भी नहीं खाएगा। सॉरी वो नीचे का रोटी गंदा हो सकता है पर बीच का ठीक है खा लो उसको। वापस दिन में खाना कब मिलेगा पता नहीं। खा लो प्लीज खा लो। जनाब मेरे फादर साहब से बात हुई क्या? क्यों तुम्हारा फादर साहब प्राइम मिनिस्टर है क्या? ये तुम चीफ मिनिस्टर है? पी लो ये कश्मीरी चाय नून चाय।
ताकत के लिए अच्छा है, पियो उसे। थैंक यू। कैसा है? अच्छी। यहाँ का सब अच्छा है, यहाँ की चाय अच्छी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, कश्मीर में सब अच्छा था, फिर तुम लोग पार से आए दहशतगर्दी फैलाने के लिए। पहली बात तो ये, मैं कोई पारवार से नहीं हूं, मैं दिल्ली से हूं। और दूसरी बात ये कि अगर पार से लोग आकर यहां दहशत फैला रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो कश्मीरी है ना, आप भी तो दहशत ही फैला रहे हैं। नाजिया। व्हाट नाजिया? व्हाट नाजिया? देयर आर मोर देन 10,000 पीपल मिसिंग फ्रॉम कश्मीर। पुलिस के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहां गए वो लोग? दे वर नेवर बोर्न। हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। तू हमारा गेस्ट बन गया है, ये बात तुम्हारे साथी को कैसे पता लगी? 8 बजे तेरे को एसटीएफ वालों ने उठाया और 10 बजे तेरे लिए किसी एमएलए का फोन तक आ गया। डोगरा सर, इन लोगों का नेटवर्क पुलिस के नेटवर्क से कहीं ज्यादा तेज है। सर मेरा कश्मीर के हर घर को पता कि अगर उनका बेटा घर पहुंचने में 2 घंटे भी लेट कर जाए तो एसटीएफ ने उठा लिया। इसके लिए किसी नेटवर्किंग की जरूरत नहीं, 20 साल से यही सब तो देखते आ रहे हैं। जी तुम मेरे अफसर हो, मैं आपका सबॉर्डिनेट, मैं होम डिपार्टमेंट का मुलाजिम हूँ और मेरे ही बेटे को उठा ले गए। तारा चंदा, वो कश्मीर के हालात के बारे में तो पता ही, एसटीएफ के काम में हम दखल नहीं दे सकते। सर जी फिर तुम दसो मैं कुछ जाऊँ? आप एक काम करो, जहाँ से आपके बेटे को उठाया है उस चौकी अफसर से मिलो, मैं भी उसे फ़ोन करता हूँ। सर जी मुझे नहीं मालूम किस इलाके से उठाया है। अरे आपको पता नहीं है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। If you don't know how I can help you, जाओ पता करो। हाँ सुनो, अगर पता चलता है तो मेरे को जरूर बताना। क्या कहा साहब ने? कख कर ही नहीं सकता, ये अफसर बन गया। मेरा
अरे हाथुम दीन जी, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? माई में छुट्टी सेंशन नहीं हुई यार अभी तक। अरे एक बार ये मसला हल हो गया तो छुट्टी ही छुट्टी है। चल छोड़, मूड फ्रेश कर, एक चुटकुला सुनाता हूँ। अरे एक आदमी अपनी शादी की सीढ़ी अपने दोस्तों को देकर बहुत पछताया, पता है क्यों? मुझे क्या पता। अरे सुहागरात के सीन डिलीट कराना ही भूल गया। अरे हंसी नहीं आई? एसपीओ के चुटकुलों पे नहीं हंसता हूँ मैं। 15 दिन की ट्रेनिंग लेके पुलिस बन गए। अच्छा चल ले पकड़, मां पकड़ ना। चल चल मैं। अरे पकड़ पकड़ पकड़। चल ना, चल पकड़ ना, एक बार चल पकड़ पकड़ पकड़। चल अच्छा चल ले, अब ले चला, चल ले चला 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 ना, चला चला चला। अरे अरे सुनिए सुनिए सर, क्या हो रहा है ये? पता नहीं कब तक बैठना पड़ेगा मुझे यहाँ। साहब को एप्लीकेशन दी थी मैं छुट्टी की, पास नहीं हुई। एप्लीकेशन पास होगी मैं तो भाग जाऊंगा यहाँ से। सब साहब के हाथ में, बड़े साहब के हाथ में। विल यू प्लीज टेल मी हू इज योर बड़े साहब? तो मिल्टन बन गया। मिल्टन बन गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे वो केएएस की तैयारी कर रहा है, हैं? और आप कहते हैं मिल्टन बन गया? कैसी बातें करते हैं आप? तो क्या पुलिस वाले ऐसे ही उठा लेते हैं? अब मुझे क्या मालूम कैसे उठा लेते हैं, लेकिन मेरा बेटा गायब है, बस मैं ये जानता हूँ। नाम क्या बताया आपने? मेरा ही बेटे का। दोनों का बोल दो। मेरा नाम ताराचंद है और बेटे का नाम अजय कुमार। अजीब बात है, आप तो एम भी नहीं हो फिर भी आपका बेटा मिल्टन। अरे कमाल करते हैं आप, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ और आप हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। देखिए फिर तो जरूर आपके बेटे को स्पेशल टास्क फोर्स वालों ने उठाया होगा, और अगर ऐसी बात है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लोग तो गोली भी मार देते हैं। गोली मार देते हैं? वाह, इतने आसानी से गोली मार देते हैं? मेरे बेटे को गोली मार देंगे? आज मुझे पता चला कि जिन माँ बापों के बेटे गायब हैं उन पे क्या गुजर रही होगी। जिस दिन आपका बेटा गायब होगा ना और उसे गोली मारेगा तब आपको पता चलेगा। आपने तो यूं कह दिया कि गोली मार देते हैं। गोली मार दिया हो मेरे बेटे को, गोली मार दिया होगा। अरे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उठ पल्ली हाथ क्या छू जा, हर दुवाला
राजू पक्ष है बोले आपकी मदद तो नहीं कर सकता लेकिन एक सलाह देता हूं आप ऐसा करें आप एसटीएफ के एसपी साहब से मिलें शायद वो आपकी मदद कर सकते हैं चलो 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 जल्दी चलो 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 जल्दी करो जल्दी मिस नाजिया मिस्टर राजे आई एम वेरी सॉरी फॉर द हैसल दैट वी कॉज्ड यू आप लोगों को गलती से पकड़ लिया गया था आप लोग जा सकते हैं एवरीथिंग इज फाइन एक्सक्यूज मी क्या राजू कहाँ है सॉरी राजू माय गाइड वेयर इज ही आई एम सॉरी आई एम नॉट सपोज टू टेल यू वेयर राजू इज आई एम सॉरी सर आई जस्ट मेक अ कॉल यस आप डू वन टू प्रिंट ऑलमोस्ट ऑल डोंट लीव मी ये तो कश्मीर गई थी राजू वेयर इज ही राजू इज समवेयर समवेयर का क्या मतलब होता है समवेयर का मतलब समवेयर होता है आप लोगों ने उसे मार दिया है आई हर्ड अ गनशॉट आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस आप लोगों ने मार दिया ना आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट यू विल हैव टू आंसर मी आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस यू विल हैव टू आंसर मी ही वाज माय गाइड ही वाज माय रिस्पांसिबिलिटी आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू नो यू विल हैव टू आंसर मी ही वाज माय गाइड वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी था नो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस यू अंडरस्टैंड यू विल हैव टू आंसर मी यू हैव टू आंसर मी यू हैव टू आंसर हिम यू हैव टू आंसर एवरीबॉडी आप एक पब्लिक सर्वेंट है एंड यू कैन नॉट गेट अवे विद किलिंग पीपल डू यू गेट इट आई डोंट गेट इट आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू एक कॉफी शॉप नहीं है आपका जहां आपने ब्लैक कॉफी ऑर्डर की है अभी आएगी ब्राउन शुगर के साथ दिस इज एसटीएफ बड़ा आसान है आपके लिए दिल्ली में डिनर टेबल पर बैठ के डिस्कशन करना आई थिंक द प्रॉब्लम विद कश्मीर इज दिस आई थिंक कश्मीर इज दैट यहां कर रही है आप जलीय लाशों के बीच में से गुजरिए बच्चों के कटे हुए हाथ देखिए आप तब समझ में आएगा आपकी सब समझ में आता है आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग अंधी नहीं हूं मैं देख सकती हूं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दोस मिलिटेंट्स एंड यू फर्क सिर्फ इतना है कि वो बिना वर्दी के लोगों को मारते और आप वर्दी की आड़ में लोगों को मारते सिर्फ इतना फर्क हमें मारता हूं लोगों को क्या करेंगी आप कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ा है आपने अगर मुझे हजारों लाखों लोगों को बचाना है और उसके लिए अगर मैं 10-15 टेररिस्ट को मारता हूं और उन 10-15 टेररिस्ट के बीच में अगर 4-5 कॉमन लोग भी हैं तो मैं मारूंगा उनको वो मरेंगे तो आप मानते हैं कि आप मासूमों की जान लेते हैं विदाउट एनी रीजन वन करेक्शन मैडम आई डोंट किल पीपल आई सेव पीपल
And in that process, some people get killed. So in that sense, yes, I do kill people. Thank you, SP Samuel. Oh, you're very welcome. हाँ रिकॉर्ड किया What? ग्रेट आवाज क्लियर थी दिस इज नाज़िया सिद्दीकी एंड आई वाज टॉकिंग टू एसपी सैमुअल बर्गेस फोन छीनने से कुछ नहीं होगा मेरे चैनल में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है अब आप चाहें तो मुझे गोली से मार सकते हैं इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बट यू डन यू I don't know if you have done the greatest thing or I have done the most stupid thing in my life. आपके लिए भी एक मेरे पास खुशखबरी है आपका डियर राजू जिंदा है हमने उसको मारा नहीं इन जगहों पे बम लगाने वाला था मैं He is a terrorist. And you, madam, you are a pathetic, sentimental fool. He will become a celebrity. वो एक लेजेंड बनेगा आपका मीडिया उसको हीरो बनाएगा I don't know which Kashmir you've seen, madam, but एक कश्मीर मैंने भी देखा जब आप डल लेक में एक छोटे बच्चे की लास्ट तैरती हुई देखेंगे तब आपको वो वाला कश्मीर दिखेगा उससे पहले वो कश्मीर किसी को नहीं देता मैडम थैंक यू मैडम आपने आज एक बहुत महान काम I'm sorry to say, sir, but जब राजू जैसा एक आम इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप और आपकी सिस्टम भी जिम्मेदार है इसके लिए ये यहीं के कुछ नौजवान हैं जो सिस्टम से परेशान हैं और ये भटक गए हैं जब बाहर वाले आकर इन्हें भड़का सकते हैं इन्हें बहका सकते हैं इन्हें गलत रास्ते पर लेके जा सकते हैं तो क्या आप इन्हें सही रास्ते पर नहीं ला सकते is it necessary for you all to shoot them to kill them I think you can rehabilitate them sir go home kid you're blessed सॉरी तारा चंद जी आप ले जा सकते हैं इसको ये शुक्रिया चलो नाज़िया चलो जी
की नौकरी तो मुझे नहीं चाहिए थी पुलिस की नौकरी। आज यहाँ की चाय अच्छी, यहाँ के लोग अच्छे, कश्मीर में सब अच्छा। He is a terrorist. उसे एक हादसे ने सचमुच मेरी जिंदगी बदल दी और मेरी एक रिपोर्ट ने ह्यूमन राइट्स और न जाने किन किन लोगों को इन्वोक किया ताकि वो इस मसले पर पार कर सके। इन 3 सालों में मैं एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बनी, लेकिन शायद उस दिन मेरे साथ कुछ और लोग भी थे जिनकी जिंदगियां बदल गईं। उस हादसे के बाद मेरे लिए कुछ बदला तो वो था जुनून। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर तो बनना चाहता था, लेकिन सिर्फ अपने फादर साहब की खुशी के लिए। लेकिन उस हादसे ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊं सिर्फ अपने फादर साहब के लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के निजाम को बेहतर बनाने के लिए भी। इन 3 सालों में आपको राजू का भी याद आया? राजू तो राजू से दोबारा मिलना चाहेंगे आप? राजू कई सालों से जहन में एक मकसद था, आजादी का। आजादी इस आइडेंटिटी कार्ड से, कश्मीर में जिसके बगैर घर से बाहर निकलना जैसे जुर्म था। बचपन से देखा था मैंने कि मुझे और मुझ जैसे कई नौजवानों को अपनी ज़मीन पर हर रोज़ आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिखा कर अपनी शिनाख्त करवानी पड़ती थी। शायद इसी बात का गुस्सा था और हम गलत रास्ते पर चले गए। सरकार ने मुझे और मुझ जैसे कई लोगों को हीलिंग टच और रिहैबिलिटेशन के नाम पर हमारी सज़ाएँ माफ़ कर दी। आज मैं और मेरे दोस्त कई सारी तंजीमों के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि मज़हब के मायनों को सही तरह से लोगों को बताएं। और मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझ जैसे कई और लोग, कई नौजवान इस्लाम के या मज़हब के मायनों को गलत समझें और भटक जाएं। मेरे जीते जी मैं कश्मीर को एक बार फिर से ऐसी जन्नत की तरह ज़रूर देखूँगा जहाँ अमन और शांति होगी। And I'm optimistic about it. Jinaab! Haris. Where's Dogra? Jinaab, Dogra sahab to honeymoon pe chale gaye. Very good for him. Jinaab, mera bhi transfer ho gaya mere gaon Poonch. Are wa? Jinaab, ek darkhast thi. मैं पुलिस में तो रहना चाहता हूँ, पर चाहता हूँ कि मेरे को मालिक की नौकरी मिल जाए तो बड़ा अच्छा। Let me see what I can do for you, Hakim. Anything for you, Gulam? नहीं जनाब, मेरी तकलीफ में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मुझे तो हकीम साहब के पास ही जाना पड़ेगा। ये ठीक नहीं हुआ। जनाब आप, मैंने भी एप्लीकेशन दी थी छुट्टी के लिए, सोचा था किसी दूसरे पहाड़ पे जाके कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा सुकून में। जी जी जी। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। अच्छा। मेरा ट्रांसफर हो गया दार्जिलिंग। दार्जिलिंग? जगह तो बहुत अच्छी है जी, लेकिन वहाँ के हालात यहाँ से कुछ ज्यादा फर्क नहीं। Thank you very much. Thanks, Gulam. Thank you. Jinaab, Jinaab. All the best. Oh, oh, oh.
की ताकत रब ना देवे उसको हिम्मत जो ना जाने हक की ताकत रब ना देवे उसको हिम्मत हम मन के दरिया में डूबे हम मन के दरिया में डूबे कैसी नैया क्या मझधार बस करियो Bye.
से बात।